मकर संक्रांति के साथ ही उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इससे कोल्टे की संख्या दी है। जान ले कि जहां सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण यानी कि मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ठंड भी कम होने लगती है, लेकिन इस वर्ष मौसम चक्र कुछ और दिशा में जा रहा है। पहाड़ों में हिमपात और मैदानी क्षेत्रों में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के बाद ठंड पहले से ज्यादा लोगों को कंपा रही है। कोहरा व धुंध रहने के आसार कानपुर मंडल में बने रहने के आसार हैं। पिछले कई वर्षों में पहली बार दिसंबर का महीना स्पष्ट रूप से बिना किसी कोहरे के गुजरा और इसके अलावा घने कोहरे की कुल संख्या में औसत मूल्यों से काफी नीचे गिरावट आई है। खराब रिकॉर्ड दोष को भारतीय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की कम आवृत्ति के लिए विभाजित किया जा सकता है। पहाड़ों में निष्क्रिय मौसम प्रणाली ने भी बर्फबारी में देरी की, जो कि जनवरी तक लुढ़क गई। जैसा कि मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटों तक कोहरे की स्थिति बनी रहेगी और जिस तरह शीतलहरी चल रही है वो पूरा कानपुर मंडल सहित पूरे गंगा के मैदानी भागों में बिहार तक अपना असर डालेगी, लेकिन इसके बाद थोड़ा कोहरा छटने की उम्मीद है क्योंकि हवाओं की गति थोड़ी तेज होगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपने खेतों में पाला से बचाव की इंतजाम कर लें क्योंकि आगे तापमान गिरने की भी संभावना लग रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/